जय श्री राम। हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों यानी के पंक्तियों में लिखी गई हनुमान जी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और असरदार प्रार्थना है, जिसे गाते ही हमें अपने अंदर एक अलग ही जोश, अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। लगता है हनुमान जी अब हमारे सारे संकट हर लेंगे। तो जो भी हनुमान भक्त हैं, वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा को लिखा किसने था? इसे लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस की भी रचना की थी। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो क्या आप उसका पूरा अर्थ समझते हैं? उसमें लिखी 40 पंक्तियों में क्या बात कही जा रही है, किस भाव से कहा जा रहा है, ये पूरी तरह जानते हैं? वैसे ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान को इन बातों से कोई मतलब नहीं कि आप उन्हें सोने या चांदी के सिंहासन पर बिठा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं या रूखा सूखा खिला रहे हैं। वो भक्ति में भक्त के भाव, उसकी इंटेंशन, उसका प्रेम देखते हैं और कुछ नहीं। और ये भाव उन तक हमारी प्रार्थना के द्वारा पहुंचता है। हम प्रार्थना में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पहनकर, कहां बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, इन सभी बातों से ज्यादा जरूरी बात यह है कि प्रार्थना करते हुए हमारे दिल से क्या भाव निकल रहा है। इसीलिए कोई भी प्रार्थना या स्तुति करते हुए हमें उसके अर्थ को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। उसको बोलते हुए हमारे अंदर से भाव कैसे उठेंगे? जब समझ कर प्रार्थना की जाएगी तो वो पूरे दिल से, पूरे भाव से उठेगी और फिर भगवान तक भी जरूर पहुंचेगी। हनुमान चालीसा हनुमान जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और असरदार प्रार्थना है। इसीलिए हम सभी हनुमान भक्तों के लिए ये सीरीज लाए हैं, ताकि आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो पूरी समझ से, पूरे भाव से पढ़ें, जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिले। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है दो दोहों से, जिसमें सदगुरु को नमन किया गया है और हनुमान जी से प्रार्थना की गई है। इसके बाद आती है 40 चौपाइयां, जिनमें हनुमान जी के रूप, भक्ति, शक्ति का वर्णन है, उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की सराहना है। तो शुरुआत करते हैं पहले दोहे को समझने की। ये दोहा पढ़ने सुनने में तो बड़ा छोटा नजर आता है, पर यकीन जानिए ये दो लाइनें गागर में सागर की कहावत को सिद्ध करती हैं। कैसे? इसका जवाब आपको आगे मिलने ही वाला है। तो दोहा इस प्रकार है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बर नौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। पहले दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूँ और श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को देने वाले हैं। यहाँ पर गुरु के चरणों की धूल का अर्थ दरअसल गुरु से मिला ज्ञान है, समझ है, उनकी कृपा है। वो गुरु ही हैं जो हमें सही ज्ञान देकर हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें सही गलत में फर्क करना सिखाते हैं, हमारी गलत सोच को, गलत आदतों को दूर करके हमें सकारात्मक और भक्त बनाते हैं। गुरु कृपा और संगति से हमारा बुरे विचारों, आदतों, कर्मों से मैला हुआ मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। और भक्ति में सबसे पहली जरूरत यही है, मन की शुद्धता। अगर मन में विकार है, गलत भावना है, तो ऐसा मन ईश्वर की भक्ति कर ही नहीं सकता। शरीर भले ही माला लेकर जाप करने बैठ जाएगा, मगर मन तो संसार में, दुनियादारी में ही भागा फिरेगा। इसीलिए तुलसीदास जी पहले गुरुदेव का ध्यान करके, उनके शिक्षाओं को याद करके अपने मन को शुद्ध और स्थिर कर रहे हैं और ऐसे शुद्ध मन से श्री राम के महान यश का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं, श्री राम जी का नाम सिमरन, उनके यश का वर्णन हमें चारों तरह के फल देने वाला है। आइए अब दोहे की अगली पंक्ति को समझते हैं।
बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फल चारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं शुद्ध मन से श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। ये तो आप जानते ही हैं कि ईश्वर के हर एक रूप जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, देवी माँ आदि के बारे में बहुत सी प्रसिद्ध कहानियां हैं। जैसे कि रामचरितमानस में भगवान श्री राम का जीवन चरित्र है, शिव पुराण में शिव जी की कहानियां हैं, श्री कृष्ण के बाल चरित्र और महान कार्यों पर तो बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। भक्त उन्हें सुनते हैं, गाते गुनगुनाते हैं और इस तरह से वो अपने ईश्वर में खोए हुए भक्ति करते हैं। इस पंक्ति में निर्मल यश का यही अर्थ है कि मैं श्री राम जी की दिव्य लीलाओं का सच्चे मन से वर्णन करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से भक्त को चारों तरह के फल मिलते हैं। अब बात आती है कि ये चार तरह के फल हैं क्या। दरअसल हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि संसार में हर एक इंसान को चार फल पाने की कोशिश करनी ही चाहिए, तभी उसकी मुक्ति होती है। ये चार फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आइए पहले धर्म को समझते हैं। धर्म का मतलब उतना लिमिटेड नहीं है जितना लोग समझते हैं। धर्म को सिर्फ पूजा पाठ, धार्मिक कार्यक्रम, फेस्टिवल्स तक लिमिटेड कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है हमारे करने लायक ड्यूटीज, हमारा कर्तव्य। अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर जो भी हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उन्हें बिना किसी स्वार्थ के, लालच के, सबके लिए अच्छा भाव रखते हुए बिना किसी लालच के करना, यही हमारा धर्म होता है। हर इंसान के संसार में बहुत से रोल होते हैं, जैसे कि पिता, माता, पति या पत्नी का, संतान का, बॉस या एम्प्लॉय का, और भी बहुत से रोल प्ले करता है वो। हर रोल की कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ धर्म होता है। साथ ही हमारी इस समाज, देश, प्रकृति के प्रति भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। इन सभी कर्तव्यों का पालन करना ही इंसान का सबसे पहला धर्म है। जो भी भक्त अपने धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं, भगवान श्री राम उनको उसका फल जरूर देते हैं। दूसरा फल है अर्थ, यानी धन प्राप्ति। दुनिया क्या कर रही है इस बात को छोड़ दें। एक भक्त से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी आजीविका यानी कि रोजगार में ईमानदार रहते हुए, किसी का हक न मारते हुए मेहनत से धन कमाएगा, उस धन से उसका और परिवार का भी पालन करेगा, साथ ही समाज के गरीबों के हित के लिए भी दान देगा। कहते हैं जितनी आपकी कमाई है उसका कुछ भाग किसी जरूरतमंद को जरूर दान करना चाहिए, वो भी बिना किसी फायदे की उम्मीद किए। ऐसा करने से हमारा धन, हमारी कमाई शुद्ध होती है, वो प्रॉस्पेरिटी लाती है। इस बात को थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि संसार में पैसे की बड़ी माया चल रही है। हमें दूसरों को देखकर अक्सर लगता है यार वो बड़ा पापी है, करप्ट है, ब्लैक मनी जमा करता है, उसका तो कुछ बुरा नहीं होता, फिर हम ही क्यों ईमानदार रहें। तो मनी मेकिंग में ईमानदार रहने की आपके पास दो वजहें हैं। पहली, आप हनुमान जी के भक्त हैं, वो कोई आम लोग नहीं हैं। भगवान पर आपको भरोसा है, उसको नहीं। जब आप हनुमान जी से या अपने किसी भी ईष्ट देव से प्रार्थना करें, कुछ मांगें, तो अपना सिर ऊंचा कर पाएं, कह पाएं, मेरी जीवन नैया अब आपके भरोसे है, क्योंकि वो सब जानते हैं। कुछ अमीर लोगों का जीवन बाहर से बड़ा चकाचक लगता है। हम सोचते हैं यार ये कितनी ऐश कर रहा है, मगर हमें ये नहीं पता होता वो कितनी तकलीफों, बीमारियों या किसी भी तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है या आगे गुजरेगा। ये आपके अपने हाथ में है कि आपको शुद्ध भक्ति की राह चुननी है या संसार में तरक्की के लिए शॉर्टकट की। यूजुअली काम का मतलब लोग फिजिकल डिजायर से समझते हैं, यानी कि काम वासना, मगर ये इसका बहुत ही सीमित अर्थ है। काम का पूरा मतलब होता है कामनाएं,
इच्छाएं, इच्छाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, धन, रिश्ते, पोस्ट, पावर, स्टेटस, फिजिकल, सोशल, सात्विक, तामसिक, कैसी भी इच्छा। जो इच्छाएं दूसरों का बुरा चाहने वाली, दूसरों को दुख देने वाली होती हैं, उन्हें हम तामसिक इच्छाएं कहते हैं। और जो दूसरों का भला चाहने वाली, दूसरों को सुख देने वाली, सेल्फलेस, लोक मंगल और भक्ति भाव से भरी होती हैं, उन्हें हम सात्विक कामनाएं कहते हैं। हम जो भी इच्छा करते हैं, हमारी जो भी एम्बिशंस हैं, उन सभी को हम काम के अंडर समझ सकते हैं। इच्छाएं, एम्बिशंस रखना इंसानी आदत है। सच पूछो तो आधे से ज्यादा लोग भक्ति ही इसीलिए करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें, क्योंकि ईश्वर को भक्तों की इच्छा पूर्ति करने वाला माना गया है। तो अगर आपके भाव अच्छे हैं, मन सच्चा है और आप ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, उसकी भक्ति करते हुए पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो वो भी आपकी कामनाओं का, इच्छाओं का ध्यान रखता है। हालांकि भक्ति में ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं इसीलिए आप मेरी कामनाएं पूरी करें, ये भक्ति नहीं है, व्यापार हुआ। इच्छाएं करें, उनके पूरा होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करें, लेकिन उनका पूरा होना या ना होना ये ईश्वर पर ही छोड़ दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हम नहीं जानते हम जो मांग रहे हैं वो हमारे हित में है भी या नहीं, लेकिन ईश्वर को तो सब पता है, इसलिए उसी पर छोड़ देना चाहिए। अगर वो इच्छा पूरी करने योग्य हुई तो ईश्वर उसे जरूर पूरा करेंगे, वरना समझ लेना चाहिए कि उसका पूरा होना हमारे हित में नहीं था। अब बारी आती है मोक्ष की। इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को पाना ही माना जाता है। मोक्ष को ही मुक्ति, स्वबोध, एनलाइटनमेंट होना कहा जाता है। मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त होता है, इस पर तो पूरा अलग शो बन सकता है। यहां पर हम शॉर्ट में इतना ही समझते हैं, इंसान का अपने मूल स्वभाव पर लौटना ही मोक्ष पाना है। अब इंसान का ये मूल स्वभाव क्या है? इंसान का मूल स्वभाव वही है जो ईश्वर का स्वभाव है, क्योंकि इंसान ईश्वर की ही संतान है। दया, करुणा, प्रेम, शांति, आनंद, सत्य, पवित्रता, साहस, धैर्य, निडरता, किसी के प्रति नफरत ना होना, ईर्ष्या ना होना, किसी भी तरह के विकार और अहंकार का ना होना, यही है इंसान का मूल स्वभाव। मगर आज का इंसान अपने मूल स्वभाव से बिल्कुल ही अलग है। तो वापस उसी मूल स्वभाव में लौटना, खुद को पहचान जाना कि वास्तव में वो कौन है, वो ईश्वर की संतान है, उसी का अंश है, उसी के जैसा है, ये जान लेना ही मोक्ष पाना है। किसी छोटे बच्चे को देखिए, वो कितना खुश रहता है, किसी के लिए कोई बुरी सोच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, वो सभी को एक ही नजर से देखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा अपने मूल स्वभाव में रहते हैं, इसलिए बच्चों को ईश्वर का रूप कहा जाता है। पूरे जीवन में हम खुद को विकारों और बुरी भावनाओं से मैला कर लेते हैं, मगर जब भक्ति करने लगते हैं, ईश्वर का गुणगान करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन का मैल धुलने लगता है, हम वापस अपनी शुद्ध अवस्था प्राप्त करने लगते हैं, और ये अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़कर मोक्ष की अवस्था बन जाती है। मोक्ष यानि हर विकार और अहंकार से परे मन और बुद्धि की शुद्धतम अवस्था, जो पूरी तरह ईश्वर को समर्पित होती है। इस तरह जब तुलसीदास जी पहले दोहे में कह रहे हैं, बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचारी, तो इसका अर्थ ये हुआ, मैं श्री राम की भक्ति करता हूं, उनकी लीलाओं का गुणगान करता हूं, क्योंकि भगवान श्री राम की भक्ति ही चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। आइए अब अगले दोहे को समझते हैं, जो इस प्रकार है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस दोहे का अर्थ है,
हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं बुद्धि से हीन हूँ, सही गलत नहीं समझता। जैसी बुद्धि है उसी से आपको याद करता हूँ। आप मुझे शारीरिक मानसिक बल, अच्छी बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व विकारों का नाश कीजिए। इस दोहे में भक्त का एक जरूरी गुण सामने आ रहा है और वो है विनम्रता यानी पोलाइटनेस। जिसमें विनम्रता नहीं वो भक्त नहीं हो सकता। जो खुद को दीनहीन बेचारा समझता है, जिसे बल बुद्धि और ज्ञान का घमंड नहीं होता, वही ईश्वर के सामने सच्चे मन से झुक सकता है। क्योंकि जो खुद को बहुत बुद्धिमान ज्ञानी बलशाली मानता है, उसे तो ईश्वर के सामने झुकने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उसे अपने बल पर ही भरोसा होता है। उसे लगता है कि कोई भी मुसीबत आएगी वो उससे निपट लेगा, मगर ऐसा होता नहीं है। इतिहास गवाह है, समय ने बड़े बड़े अहंकारियों बलशालियों को झुकाया है। तुलसीदास जी हनुमान जी से बल बुद्धि और विद्या मांग रहे हैं, क्योंकि वो खुद को अज्ञानी और ना समझ मानते हैं। हनुमान जी तो सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं, अति बलशाली हैं, परम ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आप हनुमान जी का चरित्र देखें तो वो भी भगवान श्री राम के सामने खुद को तुच्छ ही मानते हैं। वो हमेशा इसी भाव में रहते हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो श्री राम जी की कृपा से, उनके ही बल से हो रहा है, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं। यही है सच्चे भक्त की पहचान। वो अपना श्रेष्ठ होने का, कुछ खास होने का अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर के सामने बिल्कुल दीनहीन होकर प्रार्थना करता है। दोहे में आगे तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे सारे विकार और क्लेश हरो। दरअसल इंसान का सबसे बड़ा विकार तो उसका अहंकार ही होता है, जिसके चलते वो खुद को दूसरों से अलग, बेहतर या फिर खास समझता है। उसे लगता है वो दूसरों से ज्यादा समझदार है, वही हमेशा सही होता है और दूसरे गलत। अगर ये एक अहंकार रूपी विकार हट जाए तो बाकी के सारे विकार जैसे दुख, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा खुद ही कम होने लगते हैं। क्योंकि इंसान चीजों को सही तरह से देखना समझना शुरू कर देता है, पुरानी बातों और आदतों को छोड़कर नया सीखने को तैयार होता है। सिर्फ भक्ति ही वो रास्ता है जिस पर चलकर ये अहंकार झुकता है। इसीलिए भक्ति का बड़ा महत्व है। भक्ति ही इंसान को सही राह पर ले जा सकती है, उसका पतन होने से बचा सकती है। भक्ति में सबसे पहली प्रार्थना यही होनी चाहिए, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात मुझे अच्छी समझ मिले, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मुझे मानसिक और शारीरिक बल मिले, ताकि मैं बिना रुकावट के भक्ति कर पाऊं, मेरे सारे विकार और दुख दूर हो, ताकि मैं शांत मन से आपका नाम जप सकूं। हनुमान चालीसा की पहली दो चौपाइयां इस प्रकार हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुं लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है, तीनों लोक आपके नाम से, आपके तेज से प्रकाशित हैं। हे रामदूत आप सारे बलों के धाम हो, आपकी माता अंजनी देवी हैं, आपको पवन सुत भी कहा जाता है क्योंकि आप में हवा के वेग सा बल है, आपके समान संसार में कोई दूसरा बलवान नहीं है। इस तरह इन दो चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कितनी सारी विशेषताओं को बता दिया। यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि हनुमान जी सभी प्रकार के बलों के स्वामी हैं। बल की बात चलती है तो हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक बल पर जाता है, मगर बल बहुत तरह के होते हैं, जैसे मानसिक बल। मानसिक बल शारीरिक बल से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जिसका अपने मन पर, विचारों पर जितना कंट्रोल है,
समझना चाहिए कि वो उतना ही ज्यादा बलशाली है। इसके अलावा भक्ति बल, संकल्प बल, आत्मबल आदि ऐसे बल हैं जिनकी शारीरिक बल से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हनुमान जी में हर तरह का बल है, जिस कारण से उन्होंने अनेक असंभव दिखने वाले कार्य किए। कथाओं में आता है कि एक बार प्रभु श्री राम ने अगस्त्य मुनि से हनुमान जी की तारीफ करते हुए कहा था, रावण और बाली दो ऐसे बलशाली राजा हैं जिनके बल की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन इन दोनों का बल मिलकर भी हनुमान जी के बल की बराबरी नहीं कर सकता, इतने बलशाली हैं हनुमान जी। तो आइए अगली चौपाई सुनते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, हे महावीर, हे बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आपकी भक्ति करने से कुमति यानी बुरी बुद्धि दूर होती है और सुमति यानी अच्छी बुद्धि आती है। जिनकी बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। देखिए, हनुमान जी का अपना जीवन इतना शुद्ध और पवित्र है, इतना भक्ति में डूबा हुआ रमा हुआ है कि जो भी उनकी भक्ति करता है उसकी सोच में, विचारों में और एक्शंस में खुद ही प्योरिटी आ जाती है, पवित्रता और शुद्धता आ जाती है। वो कोई भी गलत काम करने की सोच भी नहीं सकता और हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं। और जो खुद को हनुमान जी का भक्त कहता है लेकिन काम सारे बुरे करता है, तो समझिए कि वो हनुमान जी का भक्त है ही नहीं, सिर्फ फ्रॉड है। मंदिर जाने से, तिलक लगाने से, व्रत उपवास करने से या हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई हनुमान भक्त नहीं हो जाता। भक्ति तभी सच्ची है जब वो व्यवहार में उतरे, हमारी सोच, हमारे कर्म शुद्ध करे। आइए चौथी चौपाई सुनते हैं जो इस प्रकार है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसमें हनुमान जी के रूप का वर्णन है कि उनके बाल सुनहरे रंग के और घुंघराले हैं। उनके तन पर सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल सुशोभित है। अगली दो चौपाइयों में भी उनके रूप का ही वर्णन है। हाथ वज्र अरुध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महान जगबंदन। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। हनुमान जी के कंधे पर मूंज की जनेऊ शोभा पाती है। हे शंकर जी के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की पूरे संसार में वंदना होती है। आइए इन पंक्तियों को समझते हैं। वज्र एक प्रकार का शस्त्र माना गया है जिसका प्रहार बेहद घातक होता है। हनुमान जी के एक हाथ में पापियों के विनाश के लिए वज्र है तो दूसरे हाथ में सत्य, धर्म, भक्ति की ध्वजा है जो लोगों को भक्ति का, सत्य का मार्ग दिखाती है। उनके कंधे पर जो जनेऊ है वो मूंज का बना हुआ है, मूंज जिसे सरकंडा भी कहा जाता है, और इसकी पतली पतली पत्तियां होती हैं जिन्हें बुनकर टोकरी आदि सामान बनाए जाते हैं। हनुमान जी जो जनेऊ धारण करते हैं वो इसी मूंज की बनी हुई है। छठी चौपाई में हनुमान जी को शिव जी का अवतार कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने संसार में रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को मारकर असुर राज खत्म करने के लिए ही अवतार लिया था, और इस काम में शिव जी उनकी सहायता करना चाहते थे, इसीलिए वो हनुमान जी का रूप धरकर अवतरित हुए। हनुमान जी शिव जी के रुद्र अवतार हैं, और ये तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी ने किस तरह कदम कदम पर प्रभु श्री राम की सहायता की, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना कोई श्रेय लिए। उन्होंने जो महान कार्य किए उसी के कारण हनुमान जी पूरे संसार में पूजनीय हुए। एक बात और है जो हनुमान जी के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूं। कहीं उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है, कहीं पवनसुत या पवनपुत्र कहा जाता है। दरअसल हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजनी के ही सुपुत्र हैं, लेकिन वो पवन देव जिन्हें वायु का देवता कहा जाता है उनके मानस पुत्र हैं। मतलब पवन देव ने हनुमान जी को पुत्र समान माना और उन्हें अपने वेग और बल जैसी शक्तियां प्रदान की। इसीलिए हनुमान जी हवा के वेग से कहीं भी पहुंच सकते हैं और उन्होंने समुद्र को भी उड़कर पार किया था। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई का अर्थ है, हे हनुमान जी, आप समस्त ज्ञान के, विद्याओं के ज्ञाता हो, महाज्ञानी हो, बहुत गुणवान हो। आप अपनी चतुराई से, बुद्धिबल से असंभव लगने वाले कार्य भी कर लेते हो। आप में
प्रभु श्री राम के प्रति इतनी आस्था है कि आप हर समय बस उनके कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप जैसा प्रभु श्री राम का निष्काम सेवक कोई और नहीं है। हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई है, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, हनुमान जी को प्रभु श्री राम चरित सुनना बेहद पसंद है। वो राम जी की लीलाओं को सुनते हुए भक्ति में मगन रहते हैं। उनके हृदय में किसी सांसारिक वस्तु का लालच या मोह नहीं है। वहां तो बस उनके प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण रहते हैं। ये बात हनुमान जी के बारे में प्रसिद्ध है कि जहां भी श्री रामचरितमानस का पाठ होता है या राम नाम का कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी जरूर आते हैं और उसे प्रेम से सुनते हैं। हनुमान जी को खुश करने का सबसे कारगर तरीका भी यही बताया गया है कि राम जी का नाम ले लो, हनुमान जी की कृपा खुद ही मिल जाएगी। दरअसल हनुमान जी प्रतीक हैं निष्काम निस्वार्थ भक्ति का। जब भी प्रेम से प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, उनकी लीलाओं को गाया जाता है, तो मन में भक्ति जागती ही है। आपके दिल में सच्ची भक्ति जगी तो समझिए हनुमान जी की कृपा हो गई। यहाँ हनुमान जी के चरित्र के बारे में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि वो बहुत बलशाली हैं, बहुत ज्ञानी हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर सकें, फिर भी उनका व्यक्तित्व कितना सहज सरल है। वो कभी किसी काम का श्रेय खुद को नहीं देते। वो अपने समस्त गुण बल विद्या पराक्रम सब को राम जी की कृपा ही मानते हैं। और एक हम हैं जो उनके भक्त हैं, मगर कितनी छोटी छोटी बातों का अहंकार पाल कर बैठ जाते हैं। हम बड़े, हमारी जाति बड़ी, पोस्ट बड़ी, घर बड़ा, बड़ी कार, दूसरों से ज़्यादा डिग्रियां हमारे पास और ना जाने क्या क्या। एक गुण आया नहीं और चढ़ जाता है दिमाग सातवें आसमान पर। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घिर जाते हैं हम, दूसरों को छोटा मानने लगते हैं। पहले हम भगवान जी से चीज़ों की प्रार्थनाएँ करते हैं और जब वो हमें मिल जाती हैं तो हम भगवान जी को भूल जाते हैं और हमें लगने लगता है कि ये तो हमारी अपनी मेहनत से हुआ है, हमारे जुगाड़, हमारी बुद्धि से मिला है हमें। उस वक्त हमें याद करना चाहिए हनुमान जी का चरित्र, जो समुद्र लांघने पर बोले कि इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम की कृपा का चमत्कार है। जब हमारा अहंकार ईश्वर के लिए इतना समर्पित होगा, तभी हम कह पाएंगे कि हम भक्त हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात, हे हनुमान जी, आपने अपना बहुत ही छोटा सा रूप धारण करके माता सीता को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जला दिया। आपने भीम रूप धर के यानी विकराल भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को मारा और प्रभु श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल किया। ये चौपाइयां उस समय पर आधारित हैं जब हनुमान जी सीता जी की खोज में समुद्र पार करके रावण की नगरी लंका पहुंचे थे। हनुमान जी को ऐसी शक्तियां प्राप्त थीं जिससे वो अपने शरीर को बहुत ही विशाल बना सकते थे और बहुत छोटा भी। वो अपने शरीर को हवा की तरह हल्का करके उड़ भी सकते थे। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करके पहले उन्होंने विशाल रूप धरा और समुद्र पार किया, फिर अशोक वाटिका में माता सीता को खोज कर उनके सामने छोटे रूप में पहुंचे और उन्हें अपना परिचय दिया, साथ ही प्रभु श्री राम का संदेश माता सीता को दिया। इसके बाद जब अशोक वाटिका के सेवक उनको पकड़ने के लिए दौड़े, तो उन्होंने वापस से विकराल रूप धारण किया और राक्षसों को मार गिराया। जब उनको पकड़कर रावण के सामने लाया गया, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया। पहले छोटे रूप में बंधन में बंध गए और फिर जब उनका मजाक उड़ाकर उनका अपमान करके उन्हें सजा देने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तो उन्होंने वापस से बड़ा विकराल रूप बनाकर खुद को बंधनों से आजाद कर लिया और उस जली हुई पूंछ से पूरी लंका को ही जला दिया। इस तरह से अकेले हनुमान जी पूरी राक्षसी सेना पर भारी पड़ गए और लंका का सर्वनाश कर डाला। प्रभु श्री राम का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, माता सीता का पता लगाना और रावण को श्री राम के बल का संदेश देना, वो उन्होंने पूरी कुशलता से किया और सकुशल वापस भी लौट आए। हनुमान जी के अलावा दूसरा और कौन था जो ऐसा असंभव कार्य कर सकता था? कोई नहीं। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई।
इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने संजीवनी बूटी लाकर भैया लक्ष्मण को जीवित किया, जिससे श्री रघुवीर ने खुश होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। आपके इस काम से खुश होकर प्रभु श्री राम ने आपकी बहुत तारीफ की और कहा कि आप हमारे भरत जैसे प्यारे भाई हो। ये हनुमान जी के बल और पराक्रम का बड़ा रोचक किस्सा है। हुआ यूं था कि राम जी और रावण की सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा था। उसी बीच मेघनाथ ने लक्ष्मण भैया पर ऐसा शक्तिबाण छोड़ा जिससे वो बेहोश हो गए। उस वक्त उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी, वरना उनके प्राण भी जा सकते थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। प्रभु श्री राम भी हिम्मत हार रहे थे। तभी जामवंत के कहने पर हनुमान जी लंका के सबसे प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को उनके घर सहित उठाकर वहां ले आए। वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जी को देखकर कहा कि हिमालय पर एक ऐसा पर्वत है जहां पर संजीवनी बूटी मिलती है। अगर कुछ समय के अंदर संजीवनी बूटी यहां लाई जा सके तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है। युद्ध हो रहा था लंका में, हिमालय पर्वत था कोसों दूर उत्तर में। ऐसे में संजीवनी बूटी लाना, वो भी बहुत कम समय सीमा के अंदर, ये काम अगर कोई कर सकता था तो वो थे हनुमान जी। हनुमान जी ने उस पर्वत का नाम पूछा, उस बूटी यानी औषधि की पहचान पूछी और तेज गति से उड़ चले। किंतु उस पर्वत पर तो अनेक तरह की औषधियों के पौधे थे जो देखने में एक से लगते थे। उन सब के बीच हनुमान जी संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए। ऊपर से समय भी बहुत कम था, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया और लंका लेकर आ गए। समय से संजीवनी बूटी मिलने के कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। राम जी के साथ साथ सभी की जान में जान आई। इस असंभव लगने वाले काम को करने पर, लक्ष्मण जी की जान बचाने पर, प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को खुश होकर गले से लगाया और उन्हें अपने भाई समान प्यारा बंधु बताया। आइए अब अगली दो चौपाइयां सुनते हैं। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है, प्रभु श्री राम ने ये कहकर हनुमान जी को सीने से लगा लिया कि तुम्हारे यश का जितना गुणगान किया जाए, जितनी वंदना की जाए वो कम है, हजार मुंह से भी तुम्हारी प्रशंसा की जाए तो वो भी कम है। तुम्हारे काम इतने सराहनीय हैं कि वो शब्दों की सीमा के परे हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में जितनी भी महान विभूतियां हैं, महान संत और ऋषि हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जैसे श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा जी, नारद जी, माँ सरस्वती, शेषनाग जी आदि देवी देवता, सभी आपका गुणगान करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु श्री राम को ऐसे संकट से उबारा है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती थी। हनुमान जी की ये प्रशंसा 15वीं चौपाई में भी जारी है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जम कुबेर दिगपाल जहां ते, कभी को विद कही सके कहां ते। यानी यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा यश है हनुमान जी का जिसका पूरी तरह गुणगान करना संभव ही नहीं है, कोई उनकी महानता के आसपास भी नहीं ठहर सकता। जी हाँ, यही है भक्ति की शक्ति। बिना भक्ति का बल कैसे मिट्टी में मिल जाता है, इसका उदाहरण रावण है। और शक्ति को अगर भक्ति मिल जाए तो कैसे चमत्कार किए जा सकते हैं, इसका श्रेष्ठ उदाहरण हनुमान जी हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमारे पास जो भी साधन संसाधन हैं, जो भी पावर है, उनका इस्तेमाल, उनका यूज हमेशा अच्छे कामों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सेवा के लिए ही करना चाहिए। तभी उनका लाभ है, तभी वो आदर के, तारीफ के काबिल हैं, वरना नहीं। अब अगली चौपाई पर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राज पद दीन्हा। हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव जी को प्रभु श्री राम से मिलाकर उन पर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। इस चौपाई में उस समय की बात है जब प्रभु श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे थे। फिर वो उस पर्वत पर पहुंचे जहां राजा सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छिपकर जीवन बिता रहे थे। सुग्रीव को बाली की ओर से हर वक्त हमले का खतरा रहता था।
इसीलिए उस पर्वत पर सुग्रीव के गुप्तचर घूमा करते थे। गुप्तचरों ने जब वहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को घूमते देखा तो उन्होंने आकर सुग्रीव जी को खबर दी कि उस पर्वत पर दो बहुत बलशाली और तेजस्वी युवा घूम रहे हैं और लग रहा है जैसे कि वो कुछ खोज रहे हैं। हो सकता है कि वो आपकी तलाश में भेजे गए बाली के सैनिक हों। ये खबर सुनते ही सुग्रीव चिंतित हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्राह्मण का रूप धरकर उन युवकों के पास जाओ और उनकी खोज खबर लो कि वो यहां पर क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर उनके पास गए और राम जी से वहां पर आने का कारण पूछा। भगवान राम अपनी चेतना से समझ चुके थे कि ब्राह्मण रूप में खुद हनुमान जी खड़े हैं। वो मन ही मन मुस्कुरा उठे और उन्होंने हनुमान जी को वहां आने का कारण बताया, साथ ही साथ अपना परिचय भी दिया। प्रभु श्री राम जी का परिचय पाकर हनुमान जी बहुत खुश हुए कि उनके सामने स्वयं उनके स्वामी प्रभु श्री राम खड़े हैं। उन्हें अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पहचाना नहीं। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ गए और भगवान श्री राम के चरणों में झुक गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव जी के पास ले गए और दोनों की दोस्ती करा दी। इस दोस्ती के दो फायदे हुए। पहला, सुग्रीव को बाली वध के बाद उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और दूसरा, श्री राम को रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना का सहयोग मिला। और ये दोनों ही काम सिर्फ हनुमान जी के कारण ही संभव हो सके। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। इसका अर्थ है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया जिससे वो लंका के राजा बने, इसको सारा संसार जानता है। यह किस्सा कुछ ऐसा है, हनुमान जी समुद्र को लांघकर जब लंका नगरी पहुंचे तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धरकर पूरी लंका नगरी का मुआयना किया। आज के शब्दों में कहें तो लंका की रेकी की। पूरी लंका में उनको एक ऐसा घर मिला जहां पर तुलसी का पौधा लहरा रहा था और उस घर से भक्ति भाव की एनर्जी बह रही थी। हनुमान जी समझ गए कि जरूर ये किसी सात्विक भक्त का घर है। वो घर रावण के छोटे भाई विभीषण का था। हनुमान जी विभीषण से मिले, उनकी थोड़ी जांच पड़ताल की और उन्होंने पाया कि विभीषण राक्षस कुल के होते हुए भी सात्विक नेचर के हैं। वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, साथ ही प्रभु श्री राम के भक्त हैं। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय दिया और विभीषण ने उन्हें माता सीता का पता बताया। हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि उनको अपने दुराचारी भाई रावण का साथ देने के बजाय धर्म और सत्य के रक्षक प्रभु श्री राम जी का साथ देना चाहिए और इस धर्म युद्ध में उनकी सहायता करनी चाहिए। विभीषण हनुमान जी की बात से सहमत हो गए। उन्होंने पहले अपने भाई रावण को समझाने की कोशिश की कि वो भगवान श्री राम से शत्रुता त्याग दें और माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दें, मगर बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना। उल्टा विभीषण को ही धक्के देकर लंका से बाहर निकाल दिया। इसके बाद विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में चले गए और आगे चलकर रावण वध के बाद लंका के राजा बने। विभीषण के राज्यकाल में पाप की नगरी लंका में भी राम राज्य स्थापित हुआ। ये सब हनुमान जी के विभीषण को समझाने के कारण ही संभव हुआ। अगली चौपाई इस प्रकार है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यों ताही मधुर फल जानू। इसका अर्थ है, हजारों मील की दूरी पर स्थित सूर्य को बचपन में ही हनुमान जी ने एक लाल मीठा फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था। ये चमत्कारिक किस्सा कुछ इस प्रकार है, हनुमान जी जब बहुत छोटे थे तो आकाश में चमकते सूर्य को उन्होंने देखा। वो उन्हें एक फल के जैसा नजर आया। बाल हनुमान सूर्य की ओर उड़ चले और उसे फल समझकर निगल लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची कि सूर्य भगवान खतरे में है। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ हाथ में वज्र लेकर सूर्य की सहायता के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सूर्य देव को मुंह में दबाए खेल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस बालक से सूर्य देव की रक्षा कर सकें, पर असफल रहे।
इससे उन्हें क्रोध आ गया। इंद्रदेव हनुमान जी की शक्तियों से परिचित भी नहीं थे, न ही उन्हें यह पता था कि वो खुद शिव जी के अवतार हैं। इसीलिए गुस्से में आकर इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी पर जोर से चोट लग गई। उनका मुंह खुल गया और सूर्यदेव मुंह से बाहर आ गए, लेकिन बाल हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के प्रहार से उनकी ठोड़ी भी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए उसी दिन से उन्हें हनुमान नाम से पुकारा जाने लगा। जब ये बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने क्रोध में अपनी गति रोक ली। सारी दुनिया हवा के बिना मरने को हो गई। पवन देव का क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को स्वस्थ किया, जिसके बाद पवन देव ने वापस हवा का बहाव शुरू किया, जिससे सभी की रुकी हुई सांसें वापस चलना शुरू हुईं। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान जी को वरदान और शक्तियां दी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी हानि नहीं होगी। इंद्र ने उनके शरीर को वज्र से भी कठोर होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने पूरी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। सूर्य ने उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया। वरुण देव ने वरदान दिया कि उन्हें जल से कभी हानि नहीं होगी। इसी तरह अन्य सभी देवी देवताओं ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। हनुमान जी ने कभी भी किसी भी वरदान या शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा उससे प्रभु श्री राम के ही कार्य किए जो धर्म के अनुसार थे। हनुमान जी का ये गुण सभी गुणों से बड़ा है, जो हमें सिखाता है हमें अपनी शक्तियों का हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो हमारी और संसार के मंगल के काम आती हैं, वरना शक्तियां भी अभिशाप ही बन जाती हैं। आइए अब 19वीं और 20वीं चौपाइयां समझते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते। इसका अर्थ है, आपने प्रभु श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी, जो उन्होंने माता सीता के लिए अपनी निशानी के तौर पर दी थी, उसे मुंह में रखकर एक ही छलांग में समुद्र को लांघ लिया। ये काम असंभव था, कोई नहीं कर सकता था, मगर आपने कर दिखाया। और इसमें जरा सा भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, असंभव लगने वाले काम हैं, वो आप आसानी से कर गुजरते हैं, और हम भक्त भी आपकी कृपा से कठिन कामों को आसानी से कर जाते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा भी है कि ऐसा जगत में कौन सा कठिन काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, यानी वो सब कुछ कर सकते हैं। आइए अगली दो चौपाइयां समझते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है, आप श्री राम के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना तो राम के द्वार पर किसी को प्रवेश ही नहीं मिलता, मतलब आपकी कृपा के बिना प्रभु श्री राम जी की कृपा पाना मुश्किल है। हे हनुमान जी, आपकी शरण में सारे सुख हैं, सारे आनंद हैं, आप जिसके रक्षक हैं उसे फिर किसी बात का डर नहीं रहता, आपका नाम ही निडरता लाता है। जैसा कि चौपाई में आया है, हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम तक नहीं पहुंचा जा सकता। दरअसल इस बात का बहुत गहरा अर्थ है। हनुमान जी प्रतीक हैं निष्काम भक्ति के, निस्वार्थ सेवा के। जब तक हमारी भक्ति शुद्ध नहीं होती, निस्वार्थ नहीं होती, हम में सभी प्राणी मात्र के लिए करुणा और सेवा भाव नहीं जगता, तब तक हमें प्रभु श्री राम की कृपा नहीं मिल सकती, हम ईश्वर को नहीं पा सकते। पहले हमारी सोच और कर्म में हनुमान यानी भक्ति का उतरना जरूरी है, फिर राम की कृपा खुद ही प्राप्त हो जाएगी। भक्ति का दूसरा नाम ही आनंद है। यह ऐसा सुख है जो कभी नहीं घटता, बस बढ़ता ही जाता है। जैसे कोई मिठाई कितनी टेस्टी है, ये उसे खाकर ही जाना जा सकता है, किसी के बताने से पता नहीं चलता। ऐसे ही भक्ति में क्या सुख है, ये तो सिर्फ भक्त बनकर ही जाना जा सकता है। इसलिए दुनियादारी में, गैजेट्स और मनोरंजन में टेम्पररी सुख खोजने के बजाय भक्त बने और हमेशा सुखी रहें। आपन तेज समहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपका जो तेज है, जो वेग है, उसे बस आप ही संभाल सकते हैं,
आपके सिवाय उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई काबू नहीं कर सकता। आपकी तेज गर्जना ऐसी है जिससे ये तीनों लोक कांप जाते हैं। ये तो आपने पहले पढ़ा ही है कि कैसे हनुमान जी को बचपन में सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां, अपनी सिद्धियां दी थीं। इसीलिए उनका बल, उनका तेज उन सभी देवी देवताओं या अन्य किसी भी जीव से बहुत ज्यादा है। अगर हनुमान जी को कोई बल से काबू कर सकता है तो वो खुद हनुमान जी ही हैं। दुनिया में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि उनको काबू कर सके। लंका में भी हनुमान जी जब रावण की सेना के बंधक बने तो वो खुद अपनी इच्छा से बने थे, क्योंकि उनको रावण के सामने जाना था, उसको प्रभु श्री राम की शक्ति दिखानी थी। और जब उनका ये उद्देश्य पूरा हुआ तो वो बड़ी ही आसानी से सारे बंधन तोड़कर निकल भागे। हनुमान जी को उनके अलावा अगर कोई और काबू कर सकता है तो वो हैं प्रभु श्री राम, लेकिन वो भी बल से नहीं बल्कि प्रेम से। हनुमान जी सिर्फ एक ही बंधन में बंधे हुए हैं और वो है प्रभु श्री राम का प्रेम, उनकी भक्ति। हनुमान जी का ये गुण हमें ये भी सिखाता है कि जो काम बल नहीं कर सकता वो प्रेम कर लेता है। प्रेम ही है जो इंसान को आसानी से झुका देता है। इसीलिए किसी को पावर से काबू करने की कभी कोशिश ना करें, सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार करें, सबके प्रति शुभ भावना रखें, करुणा और सम्मान रखें, फिर आपको किसी पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। हर कोई स्वयं ही खुशी खुशी आपके प्रेम से बंधा रहेगा। अब आइए अगली चौपाई सुनते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। इसका अर्थ है जहां कहीं भी महावीर हनुमान जी का नाम जपा जाता है वहां भूत प्रेत पिशाच आदि पास भी नहीं फटकते। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी किसी सुनसान राह से गुजरते हुए किसी अनजानी शक्ति का डर महसूस होने पर ये चौपाई जरूर गुनगुनाई होगी और अपने डर को काबू किया होगा। दरअसल हनुमान जी को प्रेत बाधा से मुक्ति देने वाला देव कहा जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत से हनुमान जी के सिद्ध मंदिर हैं जहां पर प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई जाती है। वैसे भी हनुमान जी के तो नाम का ही ऐसा प्रताप है जिसको जपने मात्र से इंसान की हर तरह की नेगेटिविटी, उसका डर, निराशा सब दूर हो जाते हैं और खुद को वो सुरक्षित महसूस करता है। उसे ये विश्वास हो जाता है कि हनुमान जी की शक्ति मेरे साथ है, अब कोई भी बुरी शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बस ये विचार ही उसको बहुत मानसिक बल दे देता है और वो अपने हर तरह के डर पर काबू पा लेता है। दूसरी बात, जो इंसान हनुमान जी की भक्ति करता है वो अपने भाव, विचार, आचार व्यवहार से इतना शुद्ध रहता है कि उनके पास वैसे ही कोई नेगेटिव शक्ति नहीं फटकती। इसीलिए भी वो हर तरह की बुरी शक्तियों, बुरे प्रभावों से दूर रहता है। अब हनुमान चालीसा की 25वीं और 26वीं चौपाई को समझते हैं जो कि इस प्रकार है। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, जो भी आपका रेगुलरली यानी कि हर दिन जाप करता है उसके हर तरह के सारे रोग चले जाते हैं, मानसिक हो या शारीरिक सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। हे हनुमान जी, जो अपने मन से, कर्म से, वाणी से आपका निरंतर जाप करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आप उनको सारे संकटों से, सारे कष्टों से मुक्त कर देते हैं। दोस्तों, एक बात जो हम सभी को बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए वो ये कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें महसूस होती हैं या हमें जो भी फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम होती है उनकी असली जड़ हमारे मन के अंदर ही होती है। अब ये बात तो साइंस भी मानता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, उसका अच्छा या बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है और हमारे जीवन पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, कोई भी आपका दोस्त नहीं है, कोई वेल विशर नहीं है, आपको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, तो यकीन मानिए कुछ समय के बाद ये सब न होते हुए भी सच में होता हुआ नजर आएगा। मानसिक तनाव, गलत सोच अच्छे खासे हेल्दी इंसान को भी बीमार बना देती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी सोच सही रखें, पॉजिटिव रखें। और अपनी सोच को सही और पॉजिटिव रखने का सबसे अच्छा तरीका है
अपने चंचल मन को भक्ति में लगाना, और अगर भक्ति भी हनुमान जी की हो तो फिर तो सोने पे सुहागा। जब आप इस विश्वास के साथ हनुमान जी की भक्ति करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि अब वो आपके सारे संकट सारी पीड़ा दूर कर देंगे, जो भी आपके जीवन की सही जरूरतें हैं उनका ध्यान रखेंगे, तो एक तरह से आप अपना सारा भार सारी चिंता हनुमान जी को समर्पित कर देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा और ये बेफिक्री ही धीरे धीरे आपके जीवन में वो सब लाती है जो आपको चाहिए, जैसे कि सुख, खुशी, स्वास्थ्य, शांति, अच्छे गुण, अच्छी आदतें। हाँ, अगर आप ये चाहेंगे कि आपके पास आपके पड़ोसी से ज्यादा धन आ जाए, ज्यादा बड़ा घर आ जाए, हनुमान जी आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दें, तो ऐसा नहीं होगा। फिर ये भक्ति नहीं, व्यापार हुआ, और हनुमान जी व्यापार नहीं करते। सच्चे मन से भक्ति करें, अच्छे कर्म करें, बाकी सब हनुमान जी देख लेंगे। चलिए अब हनुमान चालीसा की अगली दो चौपाइयां सुनते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी, आपने तपस्वियों का जीवन जी रहे प्रभु श्री राम के सभी कठिन कार्यों को आसानी से पूरा किया, उनके हर उद्देश्य को सफल किया। जिसको आपका साथ मिल जाए, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, वो जो भी इच्छा करता है उसे उसका ना मिटने वाला फल मिलता है, यानी वो फल कभी समाप्त नहीं होता। दोस्तों, एक बात जो मैंने पहले भी कही थी और वापस क्लियर कर रहा हूं कि भक्ति कुछ क्रियाओं को करने का नाम नहीं है, न ही बैठकर कोई जाप करने या पाठ पढ़ने का नाम है। भक्ति तो भाव से होती है, और भक्ति सफल तभी होती है जब भाव शुद्ध हो। ये बार बार कहा जाता है कि हनुमान जी से या किसी भी देवता से आप जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा, और उसी उद्देश्य को लेकर लोग भक्ति शुरू कर देते हैं। अब उनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात कि उनकी भक्ति कितनी शुद्ध है, दूसरी ये कि उनकी इच्छा कितनी जायज है, कहीं उनकी इच्छा किसी दूसरे को हानि पहुंचाना तो नहीं, और तीसरी वो जो मांग रहे हैं क्या वैसे ही कर्म भी कर रहे हैं। जैसे एक आलसी इंसान जो कोई काम धाम नहीं करता और बस बैठकर भगवान की पूजा शुरू कर देता है कि मैंने पूजा कर ली, अब मुझे महीने का 50,000 रुपए मिल जाए, तो अब आप ही बताइए कि क्या उसकी ये इच्छा पूरी होने के लायक है? ईश्वर इसे पूरा करेंगे? नहीं, वो यही बोलेंगे, जाओ पहले उठकर कुछ काम धंधा करो भाई, आगे की तब देखेंगे। अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारी इच्छाएं भी शुद्ध हो जाती हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मंगल कामना करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो अगर भक्ति क्रिया के साथ भाव, सोच, वाणी और कर्म में उतरती है तो वो जरूर फल देती है। जो भी आप डिजर्व करते हैं वो आपको जरूर मिलता है। इसी विश्वास से आप भक्ति करें। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इन चौपाइयों में भी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे हनुमान जी, चारों युगों में आपका यश फैला हुआ है, आपके प्रताप का गुणगान होता है। ये चारों युग हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। आपकी कीर्ति जगत में हर जगह फैली है। ऐसा कौन है जो हनुमान जी के महान चरित्र को नहीं जानता है? हनुमान जी सबसे लोकप्रिय हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम के दुलारे, आप साधु संतों, भक्तों, सज्जनों की रक्षा करते हैं और असुर प्रवृत्तियों का, दुष्टों का नाश करते हैं। हनुमान जी से जुड़ी ऐसी अनेक कथाएं हैं जो दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने समय समय पर भक्तों की रक्षा की और दुष्टों का विनाश किया। खुद तुलसीदास जी के जीवन में भी अनेक बार हनुमान जी ने आकर उनकी सहायता की थी। यहां पर एक बात समझने वाली है, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी भक्तों की मदद करने उसी रूप में आए जो उनका जाना माना रूप है। कितनी बार ऐसा होता है जब हमें मदद की जरूरत होती है, उस वक्त कोई अपना काम नहीं आता, मगर अचानक से अनएक्सपेक्टेडली कोई ना कोई मदद किसी ना किसी के बहाने हम तक पहुंच ही जाती है। हमें वो मदद किसी चमत्कार जैसी लगती है। दरअसल वो मदद हमें ईश्वर से मिलती है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते।
हम उस आदमी को देखते हैं जिसने हमारी मदद की। वो आदमी तो सिर्फ मीडियम है, माध्यम है, मदद तो ईश्वर से ही आती है। इसलिए मदद की जो भी उम्मीद रखें ईश्वर से रखें, वो किसी ना किसी को माध्यम बनाकर आप तक मदद जरूर पहुंचाएगा और आपकी रक्षा करेगा। ईश्वर को धन्यवाद दें, ये ना सोचें कि उन्होंने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, आप तक मदद पहुंचाने के सारे अरेंजमेंट्स तो वही कर रहे थे। चलिए अब अगली चौपाई समझते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप आठों सिद्धियों और नौ निधियों के स्वामी हैं और उन्हें अपने भक्तों को भी देने वाले हैं। साथ ही आपको माता जानकी से भी अमरता का वरदान मिला हुआ है। शास्त्रों में जिन आठ सिद्धियों का उल्लेख है वो इस प्रकार हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को एक छोटे कण के समान छोटा किया जा सकता है। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के द्वारा शरीर का आकार जितना चाहे बड़ा किया जा सकता है। इन दो सिद्धियों का हनुमान जी ने कई बार प्रयोग किया, लेकिन सिर्फ प्रभु श्री राम के काम के लिए, कभी अपने लाभ के लिए नहीं। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के द्वारा शरीर को बहुत भारी बनाया जा सकता है। आपने वो किस्सा तो सुना होगा कि रावण के दरबार में जब बाली पुत्र अंगद रामदूत बनकर गए तो कोई उनका पैर नहीं हिला पाया था। ऐसा बल इस सिद्धि के प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। चौथी सिद्धि है लघिमा, जिसके द्वारा शरीर को भारहीन बनाकर पंख की तरह हल्का किया जा सकता है। इस सिद्धि के प्रयोग से हनुमान जी भारहीन होकर आसमान में उड़ सकते थे, इसी से उन्होंने समुद्र को पार किया था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इसे पाकर बिना रोक टोक के किसी भी स्थान पर जाया जा सकता है। ये सिद्धि हनुमान जी के लंका की जानकारी जुटाने में काम आई थी। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। ये सिद्धि प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की क्षमता देती है। सोचने वाली बात यह है कि हनुमान जी के पास ये सिद्धि थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका प्रयोग खुद के स्वार्थ या इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं किया। उनकी तो हमेशा बस एक ही इच्छा रही, प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम की सेवा। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। ये सिद्धि पाकर इंसान को किसी भी वस्तु और प्राणी का पूरा अधिकार करने की शक्ति मिल जाती है, मगर हनुमान जी ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। आठवीं सिद्धि है वशित्व। ये सिद्धि इंसान को प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता देती है। हनुमान जी इन सभी सिद्धियों के और नौ प्रकार की निधियों यानी संपत्तियों के स्वामी थे, फिर भी उनकी विनम्रता देखिए, अहंकार रहित बुद्धि देखिए, वो प्रभु श्री राम के सेवक बनकर ही खुश थे, उनके द्वारपाल बनकर ही सुखी थे। वो अपने भक्तों को भी इन सिद्धियों और निधियों को देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन्हें पाने का पात्र वही भक्त है जिसकी बुद्धि हनुमान जी की तरह ही शुद्ध हो, भक्ति भाव से भरी हो, जो इनका कभी दुरुपयोग न करे। चौपाई में आगे आता है कि माता सीता ने उन्हें एक वरदान दिया था। दरअसल जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में उनसे मिलकर प्रभु श्रीराम का संदेश उन्हें सुनाया, साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि प्रभु श्रीराम जल्दी ही उनको लेने लंका आएंगे, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। और इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। कहा जाता है हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं, उन्होंने देह त्याग नहीं किया, इसी कारण वो भक्तों की जल्दी सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अब बारी अगली चौपाई की, जो कि इस प्रकार है। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपके पास राम नाम का ऐसा रसायन है, ऐसी औषधि है जो आपको भी स्वस्थ रखता है और आपके भक्तों को भी। आप हमेशा प्रभु श्री राम के समीप हैं, उनके दास बनकर रहते हैं और इसी में सुखी रहते हैं। सच ही है, जिसके पास राम भक्ति का अमृत है उसे किसी और औषधि की जरूरत ही क्या। राम नाम का अमृत ही भक्त के तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा गाते हुए आगे कहते हैं, तुम्हारे भजन राम को भावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। इसका अर्थ है,
भक्त यदि हनुमान जी के भजन करें तो वो प्रभु श्री राम जी को भी प्राप्त कर सकते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। आपने ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी कि शिव जी की पूजा करने से राम खुश हुए। राम जी की पूजा की जाए तो शिव जी खुश हो जाते हैं, देवी माँ की पूजा की जाए तो शिव जी का आशीर्वाद मिलता है, हनुमान जी की पूजा से प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम की पूजा से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दरअसल हमारे पूर्वजों ने जो ईश्वर को पूरी तरह से जानते थे, उन्होंने ऐसी कथाएं इसीलिए कहीं ताकि भक्त को भगवान के अलग अलग रूपों में जो भेद दिखता है वो दूर हो जाए। ईश्वर यानी कि वो सुप्रीम सोर्स तो एक ही है, आप किसी की भी पूजा करें पहुंचेगी वहीं। यही बात हमारे वेदों में भी कही गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरे जिस रूप को पूजता है मैं उस भक्त की उसी रूप में श्रद्धा स्थापित करता हूँ और उसी के द्वारा उसे भक्ति का फल देता हूँ। इसलिए आप भगवान के किसी भी रूप की पूजा करें, खुश तो ईश्वर ही होगा और वही आपको भक्ति का फल देगा। अब बारी अगली चौपाई की। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जब भक्त का अंत समय आता है तो वो प्रभु श्री राम जी के धाम को जाता है। उसकी ये भक्ति प्रभु श्री राम और हनुमान जी में निष्ठा अगले जन्म में भी बनी रहती है, संस्कारवश वो फिर से भक्त ही बनता है। इस तरह जन्म जन्मांतर उनकी भक्ति बढ़ती जाती है और वो प्रभु श्री राम के भक्त कहलाते हैं। भक्ति जब संस्कार बन जाती है तो वो हमेशा हमारे साथ रहती है, इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी। हमें हर जन्म में ईश्वर की कृपा मिलती है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं और फिर किसी और देवता की जरूरत ही नहीं रहती। इस पंक्ति को ध्यान से समझना जरूरी है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हनुमान जी बाकी देवी देवताओं से सुपीरियर हैं या बाकी देवी देवताओं से छोटे हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा हनुमान जी में है तो आपको जो प्रार्थना करनी है उनसे करें, उनकी भक्ति करें। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है, इसका कारण चलिए समझते हैं। निराकार ब्रह्म रूपी ईश्वर एक ही है, उसी ने अनेकों रूप धरे हुए हैं। उसके जिस भी रूप को भजो, भजन उसी का होता है। तो जिस भक्त की ईश्वर के जिस रूप में श्रद्धा है वो उन्हीं की भक्ति करे, भजन करे। वरना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमने इस देवता की पूजा तो कर ली मगर दूसरे देवता तो रह ही गए, अब कहीं वो नाराज ना हो जाएं, या सभी देवताओं की बराबर बराबर पूजा होनी चाहिए तभी हमारा भला होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके इष्ट देव हैं या इष्ट देवी हैं उनकी पूरे मन से भक्ति करें। 10 अलग अलग दिशाओं में भागने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आखिरकार सभी एक ही चेतना है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, जो आपको याद करता रहता है, आपका ध्यान करता रहता है, उसके सारे संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। सच कहें तो जो मन भक्ति में लीन हो गया उसे कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई अभाव महसूस ही नहीं होता। भक्ति का आनंद ही उसकी सारी कमियों को पूरा कर देता है। जैसे जिसके पास अनमोल हीरा हो तो वो छोटे छोटे सिक्कों की परवाह नहीं करेगा, वैसे ही सच्चा भक्त भक्ति में ही इतना मस्त, इतना खुश रहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं लगती। उसे गरीबी में भी कोई शिकायत नहीं होती और बाकी तो भक्त की चिंता हनुमान जी स्वयं करते ही रहते हैं। तुलसीदास जी आगे की चौपाइयों में कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। अर्थात, हे मेरे स्वामी, हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, बारंबार जय हो। आप मुझ पर कृपा करें, मैंने आपको गुरु माना है, मुझ पर मेरे गुरुदेव की कृपा हो। ये हनुमान चालीसा आपका सिद्ध पाठ है जिसे सुनकर आप प्रसन्न होते हैं। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सभी बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा।
जैसा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान चालीसा ऐसा पाठ है जिसको पढ़कर इंसान सारे बंधनों से छूट जाता है। मगर कौन से बंधनों से, ये जानना जरूरी है। ये बंधन है माया के, विकारों के, गलत आदतों के, गलत सोच के, गलत इच्छाओं के, जिसके कारण हमसे गलत कर्म होते हैं। फिर इन गलत कर्मों का बुरा फल हमारे सामने मुसीबतों, दुखों के रूप में आता है। इन बुरे फलों को हम अपनी बदकिस्मती का नाम देते हैं, जबकि देखा जाए तो इसकी जड़ में हमारा अज्ञान, हमारी गलत सोच और हमारे बुरे कर्म ही होते हैं। अगर हनुमान जी का ये पावन पाठ पूरी तरह से समझ कर किया जाए तो हमारे अंदर भी हनुमान जी की ही तरह अच्छे गुण आएंगे, सात्विकता आएगी। हम में करुणा, दया, सेवा भाव, निस्वार्थता, निर्भयता और भक्ति जागेगी। आपने जैसे समझा कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं, कितनी सिद्धियों और निधियों के स्वामी हैं, फिर भी उनका कैसा सेवा भाव वाला स्वभाव है। अगर हम भी ऐसे ही हो जाएं तो फिर कौन सा बुरा बंधन हमको जकड़ सकता है? फिर तो हम मुक्त ही रहेंगे, सदा खुशी रहेंगे। बिना समझे बूझे पढ़ा गया पाठ फल कैसे देगा, कैसे हमारी सोच को, हमारे कर्मों को बदलेगा, ये संभव ही नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ें, पूरी तरह से समझ कर पढ़ें और कोशिश करें कि हमारे व्यक्तित्व में हनुमान जी के दिव्य चरित्र के गुण आएं। हनुमान चालीसा की आखिरी दो चौपाइयां इस प्रकार हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसी दास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। इसका अर्थ है, माता गौरी के नाथ भगवान शंकर साक्षी हैं कि जो इस हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, हर काम में सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हे नाथ हनुमान जी, ये तुलसीदास आपकी ही तरह सदा ही प्रभु श्री राम का दास है, उनके साथ आप भी मेरे मन में सदा के लिए निवास कीजिए। हनुमान जी सिंबल हैं, प्रतीक हैं भक्ति के, और भगवान बिना भक्ति के मिल ही नहीं सकते। इसलिए श्री राम को पास रखने के लिए हनुमान जी का साथ भी जरूरी है। भक्ति होगी तो भगवान भी साथ रहेंगे, और भक्ति करने के लिए हनुमान चालीसा जैसा शक्तिशाली साधन भी है, जिसे तुलसीदास जी ने भगवान शंकर को साक्षी बनाकर लिखा, यानी कि उनका आशीर्वाद लेकर लिखा। और देखिए ना, उनकी लिखी ये प्रार्थना कितनी लोकप्रिय हो गई कि हर हनुमान भक्त, हर राम भक्त ये पाठ जरूर पढ़ता है। तो इस तरह से यहां पर हनुमान चालीसा समाप्त होती है। इस पाठ का समापन दोहा इस प्रकार है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। जिसका अर्थ है, हे पवन सुत हनुमान जी, आप संकटों को हरने वाले हैं, संकट मोचन हैं, आनंद और मंगल के साक्षात स्वरूप हैं। जहां आपकी स्तुति होती है वहां सबका मंगल ही होता है। हे देवताओं के स्वामी, आप प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण सहित हमेशा मेरे हृदय में निवास कीजिए। इस शुभ प्रार्थना के साथ तुलसीदास जी हनुमान चालीसा का समापन करते हैं, और उनके साथ हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे और सभी सुनने वालों के दिल में हनुमान जी का वास हो, प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण का वास हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबको भक्ति मिले, सबको मुक्ति मिले।